हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जा रही हूँ अपने गांव के मंदिर, क्योंकि मेरी मम्मी ने मांगी थी मेरे बेटे के लिए मन्नत। और ये देखिए, हम एक नहर के किनारे होते हुए जा रहे हैं। ये चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा। और मैं तो 23 साल बाद जा रही हूँ, कुछ ही देर में मंदिर पहुँचने वाले हैं। और अब हम पहुँच गए मंदिर। यहाँ पर ये मेरे बेटा और मैं कर रहे हैं साथिया, जो ये मेरी मम्मी ने रखे थे अपने हाथ से। तो ये मान्यता है कि जो भी ये साथिया रखता है, तो बाद में जब मन्नत पूरी हो जाती है तो चांदी के साथिया से उसको हटाया जाता है। और इस तरह से ये पूजा कंप्लीट होती है। मैं 23 साल बाद क्यों आई हूँ, इसकी एक अपनी बहुत लंबी कहानी है। कभी साथ जुड़े रहे तो ज़रूर बताऊँगी। इस मन्नत की इस मंदिर की एक बहुत ही पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि ये जो माता है, पहले ये माता खेतों के बीच में है, ये मंदिर बहुत दूर है गाँव से। और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से इस मंदिर को मेंटेन किया गया है। पूरा जो पैसा आता है वो अच्छी जगह लगाया गया है और यूज़ किया गया है। मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ। मंदिर की मान्यता ये है कि कहा जाता है कि ये मंदिर कुछ साल पहले, मतलब 23 साल पहले भी ये था कि जो मूर्ति थी वो चुरा ली गई थी, आधी किसी तांत्रिक ने चुराई थी। उसको अपनी कुछ पूरी करनी थी तंत्र विद्या, और उसके बाद पंडित जी को सपना आया कि ये मूर्ति कुछ सालों के बाद आएगी। और पता लगा है मुझे कि आधी मूर्ति कुछ साल के बाद आ गई थी। तो बहुत ही असली कहानी है, क्योंकि लोगों ने आँखों से देखा है, मैंने तो घर नहीं देखा। और पारस शूट कर रहा है वीडियो, वो बहुत खुश है। बीच बीच में वो अपनी भी शूट कर रहा है चेहरे को। और पूजा पूरी होने के बाद हम जाएंगे अपने गाँव के खेतों को देखने के लिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता बार बार यहाँ आने का। तो बस पूजा पूरी होने के बाद अब हम खेतों के माध्यम से जाएंगे। बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छे मेंटेन किया गया है। बैठने उठने की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा हो गई है। और क्या बताऊँ, जो भी कहानियाँ हैं, मैं 23 साल बाद क्यों आई हूँ वो एक अलग बात है। जुड़े रहे तो ज़रूर बताऊँगी। और मंदिर की शूट करते वक्त ये पारस है, जो कुछ भी शूट किया जा रहा था। खैर, उसको इतना भी पता नहीं है, मैं कर नहीं सकती थी एडिटिंग, मैंने ज़्यादा की नहीं, क्योंकि मंदिर की ये वीडियो है तो मुझे अच्छा ही लग रहा था कि मैं ज़्यादा एडिटिंग करूँ इसके अंदर कुछ दिया। बस ये क्या है, यहाँ से पूजा करने के बाद हम कुछ ही समय बाद निकलने वाले हैं। और मैं अभी यहाँ पर जब आई हूँ तो मैं अपनी नानी के घर से आई हूँ। अभी 7-8 दिन का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने घूमने का, कि घूमते हुए जाएंगे इधर से उधर। उसके बाद मैं जाऊँगी अपने ससुराल, और वहाँ पर एक दिन के लिए स्टे करके और फिर निकल जाएंगे हम दिल्ली के लिए। तो बस यही है। और अभी कुछ ही मिनटों के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है ये। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, निकलते हुए हम यहाँ से ये मीशू को मंदिर की तरफ ले जाना है, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे गांव के बैग लिए। ले लिया ना 3-4। हाँ, ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही डाल देनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि काम नहीं कर रहा था। हाँ, उधर से एक नया ऐप डाउनलोड किया है इन शॉर्ट, जिसका नाम है, एडिटिंग इतनी आती नहीं है तो इसलिए लंबा समय लग रहा है। ठीक है, तो मैंने लगवा दिया था, यही लगवा दिया, यहीं से माथा टिकवा दे बस। और अब यहाँ से ये देखो, खेतों के रास्ते से हम जा रहे हैं। पारस बहुत थक चुका है, बहुत रोया भी है। सारे लोग आगे चल रहे हैं और ये पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। कह रहा है कभी नहीं आऊँगा। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।